हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेरी ब्लॉग। और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वाले ब्लॉग में। तो फाइनली आज है डे टू हमारी खाला के घर पे और हम है गोवंडी में। तो आज मॉर्निंग उठ गए, सबसे पहले उठ के हम लोग हुए फ्रेश वगैरह, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर आज हमारी दावत है बड़ी मुमानी के घर पे, वहाँ पे बन रहा है मस्त वाला मजे मजे का खाना। तो वहाँ पे हम करने वाले लंच, उससे पहले हम जाएंगे मार्केट। मुझे मार्केट से ना बहुत सारे सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे ना फिश मार्केट 101 तो बहुत अच्छी होती है। और सेकंड, मुझे अचार वगैरह लेना था, तो मैंने सोचा चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अचार वगैरह जो है ना यहाँ पे कैसे मिलते हैं और यहाँ पे शॉप कौन सी है जहाँ से हम हमेशा लेके जाते हैं। बहुत ही मजे का अचार होता है, सिर्फ ले जाने के बाद ना आपको स्टोर करने के बाद तेल डालना होता है, तो वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ मम्मा चलो हम लोग आ रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, बाकी अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। ये हो रहा है हमारा नाश्ता, इसमें हम खा रहे सुबह सुबह मेन्दू वड़ा और चटनी और इडली। यहाँ की चटनी ना बहुत टेस्टी होती है, पता नहीं मुझे यहाँ की इडली और मेन्दू वड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जल्दी से ना ब्रेकफास्ट कर लो, साथ साथ में हम खा रहे हैं यहाँ पे भाजी पाव, जल्दी से नाश्ता कर। चला जा निया, ये निया ने बना के लाई गर्मा गर्म भाजी पाव। तो फाइनली हम जा रहे हैं आज शिवाजी मार्केट बोलते ना, कौन सी वाली शिवाजी, हाँ गोंडी की मार्केट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अचार कहाँ पे मिलता है। और मतलब समझ जाओ गोंडी की फिश मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेना है मच्छी, तो प्रॉन्स या बोमबिल या पॉपलेट जो भी मिलेगी वो लेके आएंगे। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ वीडियो में। क्या बोली, हाँ एकदम अफोर्डेबल है, मतलब रिजनेबल मार्केट है। पता नहीं मतलब है ना, यहाँ पे मच्छियाँ बहुत सस्ती मिलती है और अचार भी बहुत सस्ते मिलते हैं एकदम कम प्राइस में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। वहाँ जाएंगे तो प्रॉपर चीजें पता चल जाएगी। तो अभी हम निकल तो गए हैं और अभी बस होप है कि हमें सब चीजें मिल जाए। पहुँच गए है मार्केट शिवाजी नगर की मार्केट। यहाँ पे देखो ड्रेसेस न्यू, ये देखो यहाँ पे ड्रेसेस अच्छे अच्छे लगे हैं। हाँ ये पूरे शादी टाइप में है और ये भी पूरे शादी टाइप में और ये पूरा पीसेस में। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट होती है फिश मार्केट और ऐसे वहाँ पे लगती है ऐसे चार पांच जगहों पे। ये वाली कौन सी मच्छी है रेनिया, रावस है, वहाँ पे झींगा है और पॉपलेट को छोटे छोटे झींगे। कैसा है भाई झींगा, हाँ 50 रुपया वाटा, इतने बड़े बड़े झींगे। ये झींगा कैसा है, किलो की वाटा 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो है निया। ये कैसा है भाई झींगा, 100 रुपये किलो, हाँ देखना खेकड़ा भी। और ये सब कौन कौन से बच्चे बिको, तो इतनी सारी बच्चे बोमबिल भी, पर बोमबिल बहुत पतली है। कैसा है भाई बोमबिल, 50 रुपया वाटा, बासी है। और झींगा, झींगा भी 50, हलवा बोलते इसको, पर बहुत छोटी छोटी नहीं है और झींगा भी बहुत छोटा है रे, फूट गई मतलब देखना पेट सबके फटे रहे। अच्छा हाँ डैमेज पीस है। देखो यहाँ से ना पूरी लाइन से पूरी फिश मार्केट है, देखो वहाँ तक का। हाँ ये देखो ये सब कैसा है भाई पॉपलेट, 100 रुपए का है, 200 रुपए, ये 100 रुपए बाकी है और ये 200, और ये बोमबिल देने का, बोमबिल का लगाओ ना, लगा के देंगे दो तीन और लगा के नहीं चाहिए, जरा देने का सही भाव लगाओ। ये देखो कितनी सारी मच्छी है यहाँ पे, मस्त है। देखो वहाँ पे भी कितनी सारी, यहाँ पे भी बहुत सारी मच्छी है, इनके पास भी पॉपलेट, ये पॉपलेट ही है, पॉपलेट बहुत छोटी छोटी इनके कुछ नहीं है। 50 का वाटा, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, हाँ बहुत छोटा छोटा है ना। बोमबिल देने का बोलो ना भाई, बोमबिल देने का बोला, दो आटा कितने का देंगे, 2 रुपए वही ना, 50 रुपये वाटा ही है। और ये हलवा कैसा है, 200 का जोड़ी, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी पापलेट बोलते हैं ना, ये वो है हलवा, छोटी हलवा, छोटी वाली, उसमें निकलेगा ही क्या, हाँ ना इसको सुरमई बोलते हैं क्या, कैसा वाटा है सुरमई,
सौ का है, पचास का है। पचास वाला वाटा का है, ये पचास वाला है। बैठ भाई, जरा ये वाटा अच्छा बना के दो अभी। भाई कैसा है झींगा ये बड़ा वाला? ये तुमको मिलेगा 260 रुपए किलो, ये 450 रुपए। पौने 400? साढ़े चार सौ। साढ़े चार सौ लास्ट तुमको। और ये छिलावा 50 का, तीन आटा। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी हम जा रहे हैं हमारी बड़ी मुमानी के घर पे। यहाँ पे आना तो यही एक चीज बहुत अच्छी है कि है ना, हर जगह हमें मतलब दावत हो जाती है। तो एक टाइम हम बड़ी मुमानी के घर पे, एक टाइम छोटी खाला के घर पे, एक टाइम बड़ी खाला के घर पे, और बहुत सारे मतलब मुमानीज भी मेरे रहते हैं। और मैंने सनस्क्रीन लगाया है ना, तो इसके लिए मेरा फेस इतना ऑयली ऑयली दिख रहा है। तो चाह रहे हैं फट से हम खाएंगे, लंच करेंगे। और यहाँ पे कुलसुम भी जो है रेडी हो चुकी है। हमने हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट किया, ज्यादा कुछ खाए नहीं। यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो हम इडली खाते हैं, क्योंकि यहाँ की इडली बहुत मजे की और बेस्ट इडली होती है। उसके बाद फिर जा रहे हैं, अभी कुलसुम जा रही है मेरी छोटी वाली खाला को और अनम को लेने के लिए। फिर उसके बाद हम बड़ी वाली मुमानी के घर पे सब मजे का लंच करेंगे एक साथ मिलके। और फैमिली टूगेदर में ना बहुत मजा आता है। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारा मतलब बोलते हैं ना रूटीन यही रहता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं जल्दी से लंच करके। जा रहे हैं अभी लंच करने, और ये बना है मजेदार मटन पुलाव, रायता। मम्मी मुझे भी मटन पुलाव देना, आलू कम डालना, और साथ में दही का रायता और कचुम्बर। यही होने वाला है हमारा आज का लंच। और यहाँ मम्मी निकाल रहे। हाँ बोलो बोलो। साढ़े 1600 की रेंज में। अनम कहीं ले क्या लूंगी उसका? मैं कहा जमाने से तो अभी आए हम लोग नकाब लेने के लिए। देख कुर्निया, ये पीछे काला वाला प्लेन बता कैसा है? पट्टा है बांधने वाला? हाँ पट्टा है पूरा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये वाला, इसमें कलर्स भी बहुत। ये सारे बुरखे 350-300 रुपए के, देखो एक से एक पैटर्न है। और वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। बताओ कौन सा पसंद आ रहा है? कुलसुम अपने लिए बुरखा देख रही है, ये देखो ये 350-300 रुपए में। बता दुपट्टा नहीं है ना, सिर्फ ये बुरखे। और कोई भी देख लो, पास भी बुरखे का कलेक्शन है, अच्छा है बहुत। दिखाओ भाई। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है कुलसुम। क्या प्राइस है इसका? ये अच्छा लग रहा है। वो वाला भी पीछे वाला भी दिखाओ ना, व्हाइट वाला। बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पे भी, पूरी सारी पैटर्न के। ये पिंक वाला भी अच्छा लग रहा है। नेहा ये तो मैं पहले बताई। हाँ ये पिंक वाला निकालना, ये पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। दिखाओ भाई, ये लेना पीछे करो। हाँ ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज के लिए भी अच्छा है। आना यहाँ पे सजेस्ट करिए कुलसुम को, ये ले ले वो ले ले। पूरा खोलो ना, पूरा पट्टा खोलो ना, पट्टा मत लगाना। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला। मम्मी देखो वहाँ पे बुरखे, देखो कितने प्यारे। यहाँ पे कुलसुम जो है, हाँ डिसाइड करिए अपना बुरखा। और ये वाला अच्छा लग रहा है बहुत, ये अच्छा है। हाँ ये इसमें और कोई कलर्स वगैरह है भाई? ना वैरायटी इसमें बुरखे है, ये देखो इतने सारे। चीता वाला है, और ये वाला है पर ये वाला बहुत अच्छे अच्छे। कौन सा वाला? इसका ऑलरेडी तुम्हारे पास एक बुरखा है ना, फिर वही क्यों ले रहे? तो अभी आए हैं हम मम्मी के लिए ड्रेस लेने। भाई कोई अच्छा वाला दिखाना, और येलो कलर ज्यादा होगा तो दिखाना। ये सब पैकेट वाले नहीं, नहीं ऐसे मत दिखाओ, अच्छी रेंज वाला दिखाओ ड्रेस। ये कलर अच्छा लग रहा है, ये दिखाओ। नहीं नहीं
और कोई कलर दिखाओ ना, ग्रे भी अच्छा लग रही है, ब्लैक वाला। ये सब 450 की रेंज है, ये दो अच्छे लग रहे हैं। तो देखो तुम, सलवार का कपड़ा कम तो नहीं पड़ेगा सिलाने के टाइम? बताओ मम्मी वो कलर पीले में नहीं पब्लिक पीले में नहीं वही ना, येल्लो तुम्हारे पर ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब सलवार कमीज दुपट्टा था पूरा 550 की रेंज में। हल्दी मेहंदी के लिए नहीं चाहिए भाई, ऐसे नॉर्मली घर में पहनने चाहिए, बट ये कि उनके ऊपर नहीं 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 उनके ऊपर अच्छा लगना चाहिए ड्रेस, बात बस यही है। देखो ये ऐसा है, ये दुपट्टा सही होना चाहिए भाई, वो दुपट्टा ये हो जाता है वॉश करने में मोटा है ये कपड़ा दुपट्टा? नहीं मोटा नहीं होता, ये एकदम वो हो जाता है ना मम्मी, चिकट टाइप में हो जाता है कपड़ा। नहीं ये वाला कपड़ा यहाँ पर ही धोने है, वरना ये कपड़ा मेरे उधर दिखता है, प्रिंटेड सूट मेरे उधर बहुत दाग लगा है। देखते हो दूसरा देख लो, ये सलवार है क्या? ये सलवार है, ये चंपल है, ये दुपट्टा है ना? नहीं भैया वैसा जैसे मेरे को चाहिए वैसा कपड़ा नहीं, सॉफ्ट। ठीक है देख लो फिर तुमको क्या समझ रहा भाई, सॉफ्ट देख। ये 1300 रुपए का है, रेंज तो अच्छी लग रही है, मस्त लग रहे हैं। इमो वो वाला पूछ क्या ना, सेकंड वाले वाली मार्केट है, और ये है ना कहाँ पे बैगनवाड़ी की बड़ी मार्केट है, और ये देख लो इसका नाम, और यहाँ पे आपको सारी चीजें होलसेल में मिलेगी, सारी चीजें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी होती है। स्पेशली यहाँ पे मिलता है ये अचार का ऐसा डब्बा जो हमारे घर में बहुत यूज होता है, और इसका प्राइस है 240। हम आए हैं अचार लेने के लिए, ये है बैगनवाड़ी में। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है, ये देखो सारी चीजों में, सारी चीजें एकदम होलसेल भाव में मिलती है यहाँ पे, सॉसेस वगैरह। हाँ रुक जा, वो ग्रीन वो शेजवान चटनी है ननिया पीछे, स्पेशली अचार लेने के लिए, ये अचार का डब्बा है, और यहाँ पे बहुत किस्म के अचार मिलते हैं, तीन है ना, तीन फ्लेवर के अचार मिलते हैं, तो दो फ्लेवर ये एक आम का है और एक मिर्ची का है, बाकी सब आगे है। देखो ये दो फ्लेवर है और तीसरा फ्लेवर ये है, ये बहुत अच्छा होता है, छोटे में भी मिलता है, और हम 5 किलो वाला लेने वाले हैं, इतना बड़ा साइज है। अदरक लहसुन का डब्बा 80-80 रुपए का है, और ये 240 का है, ये 220 का अचार है, और ये वाला भी 5 किलो 240 का है, और यहाँ पे सब आपको होलसेल भाव में मिलेगा। तो आज हमारे यहाँ डिनर में फकरा है बोमबिल का सालन, और ये हमने भिगा के रखे इमली, तो आज बनाने वाले हम बोमबिल मसाला।